जम्मू संभाग के कई जिलों में भूस्खलन और फ्लड के चलते कई जगहों पे जो रोड है वो प्रभावित हुआ है। कई घरों में जो पानी है वो घरों के अंदर गया है और जलभराव जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा गखरियाल के ग्रामीण इलाके में। यहाँ पर भी चिनाब ने किस तरीके से उग्र रूप धारण किया है ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये जो बांध है ये पूरी तरीके से टूट चुका है और जो सामने वाले आप कच्चे मकान देख रहे हैं इन घरों के अंदर पानी गया है। वहीं अगर आप देखें जो ये चिनाब नदी है, इन ग्रामीण जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन ग्रामीणों की जो मवेशी है ये पानी के उस तरफ है और उन्हीं को रेस्क्यू कराने के लिए ये लोग जो है इस वक्त वहां की तरफ जा रहे हैं। कितने घरों में आपके पानी गया और इस वक्त कितने मवेशी आपके वहाँ हैं? जी सारा होगा कोई 100-150 भैंस हैं बाहर जो रोक गई उधर। कितने देर से वहाँ पे? सर 20 घरों में पानी चला गया, अंदर पूरे मकान जो डैमेज है पूरे पानी के लिए और बांध पूरा टूट चुका है और माल मवेशी हमारे कम से कम 150-200 नग जो पार फंस गया है उनको लाने के लिए जा रहे इस वक्त। आप भी जा रहे हो? आपके कितने मवेशी है? हमारे सर 50। 50 आपके? 40-50 हो गए। लगातार बारिश हो रही थी, हमने देखा वहीं पे फंसे। लगातार ही बारिश हो रही थी, वहाँ से पानी जगदमा आ गया। लड़के भी दो हमारे साथ है उधर, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा, भैंसों को पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ। जाओगे कैसे आप? जी ये देखो ये अभी तैयारी कर रहे हैं, लड़के जा रहे हैं रूपों में जाएंगे पानी के, जब मिल गई ठीक है, जो कुछ पाकिस्तान में भैंस आती है तो इसलिए हम सब गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो ये बस्ती है इनको लिए इनको कहीं सेफ जगह पे तकरीबन जगह दी जाए। तो साफ तौर पे आप इन लोगों को सुन सकते हैं लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है उसने यहाँ पर उग्र रूप धारण किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चिनाब नदी है जिसने इस वक्त उग्र रूप धारण किया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रीन इलाका है जहाँ पर जो पानी है वो लगातार उग्र रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए ये जो बांध है ये पूरी तरीके से टूट चुका है और इसी नदी के उस तरफ इन लोगों के मवेशी है जिनको ये लोग रेस्क्यू कराने के लिए जा रहे हैं। ये सामने अगर आप देखें ये कच्चे मकान है जहां पर जो पानी है वो लगातार लोगों के घरों में गया है। तकरीबन ऐसे 17 घर हैं जिनके अंदर नहीं गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से रिलीफ जो है वो यहां पर कैंप्स के अंदर इन लोगों को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें नेशनल हाईवे की, वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि कई जगहों पे भूस्खलन जैसी हालात जो है वो बनी। वहीं उधमपुर, डोडा, रामबन, पुंछ पूरी तरीके से जो मौसम है वो पूरी तरीके से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। फ्लड जैसी हालात है वो जम्मू संभाग में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिल रही है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखें कि किस तरीके से जो उग्र रूप है चिनाब ने यहाँ पर धारण किया है। मौसम विभाग की माने तो इस वक्त रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो टूटा हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, खास तौर पे जम्मू संभाग की अगर बात करें तो तकरीबन भारतीय सेना के दो जवान जो हैं वो इस वक्त इस बारिश और फ्लड के चलते शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देखें कि अब ये लोग तरीके से यहाँ से चिनाब नदी के अंदर जा हुए अपने मवेशियों को यहाँ पे रेस्क्यू करेंगे और तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से जो चिनाब ने यहाँ पर उग्र रूप जो है वो किया है। अब इन लोगों की परेशानी ये है कि लगातार जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है ये कहते हुए कि इस बांध से थोड़ा दूर रहिए और यहाँ पर जितने घर थे उनको प्रशासन की तरफ से रिलीफ कैंपों में भेज दिया गया है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो लोग हैं जो यहाँ पर अपने मवेशी को लेने के लिए जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका गखरियाल है जहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ के चलते यहाँ की हालात किस तरीके से, ये देखिए चिनाब नदी के अंदर, ये देखिए किस तरीके से जो लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने मवेशियों को रेस्क्यू करने के लिए जाइए देखिए और पानी का जलभराव देखिए कि किस तरीके से चिनाब ने उग्र रूप यहाँ पर धारण किया है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि इनके जो मवेशी हैं वो इस वक्त उस तरफ दरिया तरफ फंसे हुए हैं और उन्हीं को रेस्क्यू करवाने के लिए ये लोग इस वक्त जो है वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अनपट TV9 भारतवर्ष के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाका गखाल से।
जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते लोगों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जम्मू के अगर अखनूर की बात की जाए तो गखरियाल, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका पड़ता है, यह चिनाब नदी ने उग्र रूप धारण किया है। यहाँ पर बांध टूटने की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर प्रशासन और पुलिस की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि यहाँ से दूर रहे, चिनाब नदी के पास ना जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने कच्चे मकानों को छोड़कर अब रिलीफ कैंपों की तरफ जा रहे हैं और चिनाब नदी सामने बहती है। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ग्रामीण इलाका है और यही चिनाब नदी जो है ये पाकिस्तान की तरफ जाती है। लोग यहाँ से अब पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर बांध टूट चुका है। तकरीबन 17 घरों के अंदर यहाँ पे पा गया है। लोग किस तरीके से यहाँ पर रिलीफ कैंपों में जाने के लिए मजबूर हैं ये तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका साहब? सुदाम हुसैन। सुदाम साहब, क्यों आप मजबूर हो गए कि अब आप, हम देख रहे हैं कि आप अपना सामान लेके यहाँ से निकल रहे हो? सर पानी आ गया है पूरा घरों में। सर आपके घर में भी पानी है? जी जी सर। कितना पानी है? बहुत पानी है सर, कुल्ला ढह गया है सर पूरा। हाँ। वो कच्चे मकान गिर गए हैं सर। तो मवेशी? सर मवेशी अभी इधर ही है, मतलब ये बांध बना है सर, इसी पे रखे हैं। हाँ। अभी ये सामान छोड़ेंगे तो उसके बाद सर आगे मवेशियों को ले जाएंगे सर। कल हमने देखा बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, कैसे आपने यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे रहे फिर? सर बहुत मुश्किल हुई सर, मुश्किल तो हुई सर। पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? नहीं सर बहुत कहा उन्होंने, अच्छी हमारे मदद की, हमें को हमको निकाला उधर से, बाहर निकाला सर। कहाँ जा रहे हो आप? आप पार स्कूल है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, अपने आयत कर रहे हो उधर। बच्चों को लेके? बच्चों को लेकर जा रहे हैं, मुश्किल है बहुत, पानी बड़ा बात है, बहुत ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से अब रिलीफ कैंपों की तरफ जाने को मजबूर हैं। ये देखिए पूरा सामान जो है, गैस सिलेंडर से लेकर अपना जितना भी सामान है वो यहाँ पे लेते हुए नजर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब लोग यहाँ से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।